गर्मियों में फ्रिज की ठंडी दही लेने से हार्ट अटैक का बढ़ जाता है खतरा, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे? हो जाए सावधान, क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है। और ये जो हार्ट अटैक होता है ये पिछले 10 20 30 साल की गर्मियों का गलतियों का एक परिणाम होता है। आगे से गलती ना करना आप कभी भी। एक तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, उसके अलावा बॉडी के अनेक ऑर्गन्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है फ्रिज की ठंडी दही लेने से। मैं एक एक ऑर्गन के ऊपर कैसे रिसर्च हुई है मेडिकल साइंस की वो बताऊँगा, कैसे हमारा स्पाइन इससे सफ़र करता है मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। आप लगातार जुड़े रहें, कैसे क्या रिसर्च हुई है इसके पीछे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, कल मैंने 52 साल पूरे किए हैं, मेरा बर्थडे था कल, तो कल मैंने एक लाइव सेशन किया था कि कैसे हम हेल्दी रहें। नरेंद्र मोदी जी, स्वामी रामदेव जी कैसे हमेशा हेल्दी रहते हैं, वो किसी भी पैथी के मोहताज नहीं है, हमेशा निरोगी रहते हैं अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के बलबूते पे। क्या उनके 5 टिप्स है, वो मेरा लाइव सेशन आप जरूर देखना जगदम्बा बेबी केयर पे, इस यूट्यूब चैनल पे जरूर देखना, इसको सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, 100 ईयर्स तक आप निरोगी रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है फ्रिज की ठंडी दही लेने से। मेडिकल साइंस ने ऐसा प्रूव किया है कि अगर फ्रिज की ठंडी दही लेते हैं वो हमारी बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक करती है। फ्रिज की ठंडी दही हमारी बॉडी के में जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो अच्छे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अनेक हार्मोन्स बनाती हैं, एंजाइम्स बनाती हैं, वो हार्मोन्स रुक जाते हैं, वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए हार्ट जो है हमारा कंप्रोमाइज़ करने लगता है, उससे दिक्कत होती है। इसी तरह से पेट में गैस अफारे के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट में गैस अफारा गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं उससे होता है, ये जो दिक्कत है ये आने वाले 5-10-20 सालों में भयंकर रूप ले लेती है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को ही आप मैनेज करना सीख जाएं। बड़ी गलती से तो लोग डरते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर करते रहते हैं जो कि बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इसलिए पेट में गैस अफारा एसिडिटी ये फ्रिज की ठंडी दही से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी से ही मोटापा और फैटी लीवर, फैटी लीवर भी फ्रिज की ठंडी दही से होता है। थायराइड की दिक्कत, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये काम नहीं करती और थायराइड ग्लैंड सुस्त पड़ जाती है फ्रिज की ठंडी दही लेने से, तब मोटापा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोटापा ज़्यादा ना बढ़े, फैटी लीवर पीसीओडी की दिक्कत ना आए, पेट में गैस अफारा ना रहे, इसके लिए आप फ्रिज की ठंडी दही ना लें। उसके अलावा सावधान, जो लोग नेबुलाइजर का यूज़ करते हैं, जिनको दमे की शिकायत है, सांस की दिक्कत है, खांसी जुकाम एलर्जी निमोनिया है, उनको भी ये दिक्कत बढ़ जाती है। आगे से इन्हेलर की जरूरत ना पड़े, हमें नेबुलाइजर ना लेना पड़े, इसलिए फ्रिज की ठंडी दही बिल्कुल ना लें। क्या करें फिर, कैसे यूज़ करें दही? तो दही जब आपको यूज़ करनी है उसे 4-5 घंटे पहले जमा दें, गर्मियों में तो जल्दी से दही जम जाती है। फ्रिज में रखने की नौबत ना आए, अगर कभी इमरजेंसी में कभी 1-2 महीने में एक बार रखनी पड़े फ्रिज में दही, तो यूज़ करने से 1 घंटा पहले निकाल लें और मिट्टी के बर्तन में अगर जमा दें तो अच्छा, नहीं तो इसमें इस वाली क्ले वाले बर्तन में दबा दें तो भी अच्छे जमा दें। यह दूसरा, हमारे जोड़ों का दर्द, जो हमारी स्पाइन है, जो स्पाइन है इसके जोड़ या फिर घुटने के जोड़ दर्द या फिर गर्दन का दर्द बढ़ जाता है, स्पाइन की हड्डियां जकड़ जाती हैं, मांसपेशियां बिल्कुल जकड़ जाती हैं, तो उससे भी जोड़ों का दर्द, जैसे सुबह आदमी सो के उठता है तो उसका शरीर जकड़ा हुआ होता है, अकड़ा हुआ होता है, अगर फ्रिज की ठंडी दही लेंगे उससे बड़ी दिक्कत होती है, ये भी परेशानी की बात है। इसी तरह से स्किन में मुहासे हो जाते हैं, चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, चेहरे के मुहासे बढ़ते रहते हैं अगर फ्रिज की दही का उपयोग करेंगे, या फिर फंगल इन्फेक्शन सोरियसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको भी फंगल इन्फेक्शन होता है सोरियसिस वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर फ्रिज की दही लेना छोड़ देंगे तो उसमें फायदा मिलेगा, इसलिए फ्रिज की दही का उपयोग ना करें। दूसरा, जैसे फ्रिज की दही नुकसान देती है, इसी तरह से अगर हम दही को दूध के साथ लेंगे तब भी बीमारी बढ़ेगी, दही को खट्टे फलों के साथ, खट्टे आम होंगे, नींबू के साथ लेंगे तब दिक्कत बढ़ जाएगी और वो फायदे के बजाय दही नुकसान देगी। इसके अलावा प्याज के साथ दही खाएंगे तब नुकसान देगी दही, उड़द के साथ दही खाएंगे उसे भी नुकसान होगा, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो फिश के साथ अगर दही खाएंगे उसे भी दिक्कत होगी, मछली के साथ दही का उपयोग ना करें, ये दही के रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। तो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, देखिए एक चीज़ लेते हैं दूध वो न्यूट्रिशियस है, उधर हम दही ले रहे हैं वो भी बड़ी न्यूट्रिशियस है, लेकिन दोनों एक साथ ले लिए वो जहर बन जाएंगे, उसे एसिड बेस इम्बेलेंस हो जाएगा, तब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स नुकसान उठाते हैं, उसे दिक्कत होती है। और फिर कैसे हम दही को बचाएं, दही को लोग सोचते हैं बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, खाने खा लें, लेकिन दही के खाने के बड़े सारे नियम हैं। शाम को दही ना खाएं, सूरज छिपने के बाद दही ना खाएं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जिसको दही खानी है वो 3 काम करे, या तो सुबह 5-6 किलोमीटर की रनिंग करें सूरज निकलने से पहले तब दही बचेगी, या फिर जिम में जाके एक्सरसाइज करें, जिम में जाके पुशअप लगाएं, जिम में जाने के बाद में ये तरह तरह के सप्लीमेंट ना खाएं, दूध दही से ही बतेरा फायदा मिल जाएगा, और हैवी जो घर की प्रोटीन से दाल है, नेचुरल दाल लेंगे वही होगा, वो नहीं लेने पड़ेंगे। उसके अलावा या फिर किसान है, खेती करें खुद, जो किसान खेती करते हैं, हल चलाते हैं, उनको दही पस सकती है, जो मेहनत करते हैं खेत में जाके उनको दही पसती है। अदरवाइज अगर हमें एसी में बैठ के अपना, हमें डॉक्टर को अपने पेशेंट देखने हैं, और कोई आईटी पर्सनल को अपना कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करना है,
फिर फ्रिज की दही नहीं पचने वाली, फिर तो गैस बनेगी, बड़ी बड़ी डकारें आती रहती हैं। शाम को दही खाई थी, दिन में दही खाई, अगले दिन सुबह डकार आ रही है, तो ऐसा ना करें। अदरवाइज हार्ट अटैक का जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, मेडिकल साइंस ने जो प्रूव किया है, इसलिए फ्रिज की दही से बाज जाएं। अगर लेनी है तो ताजी दही का उपयोग करें, सुबह से लेकर दोपहर तक यूज करें, शाम को दही बिल्कुल ना खाएं। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को करनाल प्लस पे मेरी पिछले एक साल में 100 वीडियोज मिलियंस में गई हैं, तो आप सब व्यूअर्स की वजह से गई हैं। आपको कैसा कंटेंट चाहिए आप मुझे बताएं, मैं वैसे ही कंटेंट आगे से लेके आऊंगा। अगला मेरा कंटेंट होगा कि गर्मियों में कितना शरबत पिए, कितनी बार शरबत पिए गर्मियों में, ये भी मेरा कंटेंट होगा, वो भी आप देखना। एक मेरा कंटेंट होगा कि और भी आगे मैं बताऊंगा, बस ये कि आप भी मुझे सजेस्ट करें कैसे कंटेंट चाहिए, जिससे कि आप लोगों की हेल्थ को कोई आँच ना आए। मेरे व्यूअर्स हमेशा हेल्दी रहने से, जैसे मैं हेल्दी रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली हेल्दी रहती है, मैं चाहता हूँ कि आप भी हेल्दी रहें, तो उसके लिए जो जो कंटेंट आप चाहिए बताएं, और इस कंटेंट को सब लोगों को स्प्रेड करें, जिससे कि सब लोग इसे लाभ उठाएं।